मैचेस बढ़िया था, जोनाथन का हल्का सा कम बैक हुआ पूरा, बट वही है कंसिस्टेंट भैया रहना पड़ेगा। देखो ठीक है आप लोग अप्रिशिएशन कर रहे थे वो क्लचेस के दौरान जैसे रहते हैं ना, अप्रिशिएट कर रहे थे अच्छी बात है, बट वही चीज़ है कि उसको भी पता, जोनाथन को भी पता कि भाई एक बार नहीं लगातार करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बेशक देखो चार पाँच जो भी मतलब फ्रैक्स वगैरह निकल रहे हैं और पूरी टीम के साथ भी, मतलब पूरी टीम का भी ओवरऑल जो भी है सुधार रही तो बढ़िया रहेगा। निरंतर प्रयास कर रहे हैं, 13 पे चल रहे थे डे 3 पर और डे 2 पर, अब डे 3 के अंत पर आ चुके हैं भाई टॉप 9 की तरफ। तो आज मौका रहेगा इनके पास भी टॉप 4 की तरफ, क्या पता अगर आज अच्छा इंप्रूवमेंट गेम प्ले आएगा, इंप्रूव्ड गेम प्ले आएगा तो डेफिनेटली भाई हो सकता है कि गॉड लाइक अगर आज अच्छा करती है तो भाई क्या पता कल जब आएगी तो उनके ऊपर बाउंटी हो जाए। आई थिंक जेली विल कम बैक इन द स्क्वाड। मॉट ट्रायआउट देखो डिपेंड करता है ब्रो, अभी के लिए इस करंट जो अभी जो चल रहा है जोनाथन पंक एडमिनो जी गॉट, अगर आगे चलकर फिर से कुछ जोक्स आते हैं नहीं अच्छा चलता है लगातार कंटिन्यूस, एक दो बार नहीं थोड़ा चलना पड़ेगा, अगर वो नहीं चलेगा तब जाकर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईजीएल पंक स्टार्टिंग से बोल रहे हैं गॉड लाइक के फैंस, और हाँ तो ठीक है इसने तो आप लोग की सुनी भाई, फैंस की तभी तो सुनी गई है भाई, ये तो देख के चलो आप। नोवा आ रही है क्या इंडिया में, सुनने में आया है कि नोवा ईस्पोर्ट सच में आ रही है। मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या बोलते उसको टीम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, वो मुझे नहीं पता, पर कंटेंट क्रिएशन में शायद वो लोग अपना हाथ आजमाएं। वैसा कॉल का कोच बन जाओ मेजी भाई, नहीं उनके पास ऑलरेडी इतना बढ़िया कोच है, मैं क्या करूंगा जाके, मेरे को फिर दो दिन में निकाल देंगे। पर ठीक है गॉडलाइक के लिए अच्छा है कि कम से कम थोड़े से फाइट्स के लिए वो लोग जा रहे हैं, चाहे शुरू में हो या फिर थोड़ा लेट में हो, पर कम से कम वो लोग फाइट्स के लिए जा रहे हैं, वो अच्छी खबर है।